Hello and welcome to my YouTube channel. So in today's video, we are going to discuss the MCQs or multiple choice questions with solutions of class 10th geography's first chapter, which is resources and development. So let's begin. First question, resources are a function of, तो इसका आंसर होगा बी ह्यूमन एक्टिविटीज़. ह्यूमन बींग्स जो है रिसोर्सेज का एक एसेंशियल कंपोनेंट भी हैं. ह्यूमन बींग्स नेचर में इंटरैक्ट करके रिसोर्सेज को कन्वर्ट करते हैं और फिर उसका इस्तेमाल करते हैं. तो आपको याद होगा कि फर्स्ट पेज पर एक इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप का डायग्राम था नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस के बीच में. तो ह्यूमन बींग्स नेचर से इंटरैक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं ताकि रिसोर्सेज का यूज हो सके. तो फर्स्ट होगा बी ह्यूमन एक्टिविटी. Now, biotic resources are obtained from A. Biosphere and include living organisms. Next, plantation, pasturelands, ponds, water and wells, etc. are some examples of resources owned by individual. So, option C. Now, resources which are accessible to all the members of the community are called community-owned resources. Jaise ki public parks, ye sab iske example ho gaye. Next day, the first International Earth Summit was held in Rio de Janeiro in Brazil in June 1992. तो ये फर्स्ट अर्थ समिट हुआ था जून 1992 में, जिसमें 100 हेड्स ऑफ डिफरेंट नेशंस पार्टिसिपेटेड और इसमें इन्होंने चर्चा किया था इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और सोशियो एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, जिसके रिजल्ट में एजेंडा 21 आया था जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है. नेक्स्ट, प्लानिंग इज वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजी फॉर judicious use of resources. See. Now, Arunachal Pradesh has abundant water resources but lacks in B. infrastructural development. Next है, what percent of Indian land areas is plain area? तो ये है 43%. इंडिया का जो plain area है वो 43% है, 30% जो है mountains है, 27% क्या है plateaus. Next देखते हैं, what percent of Indian land main area is mountain area? अभी हमने discuss किया, ये है 30%. Next, what is the total geographical area of India? It is 3.28 million square kilometer. Now, what percent of geographical area is desired forest area? कितना percent desired, मतलब इतना होना चाहिए forest area? तो ये है 33% geographical area according to the forest policy of 1952. तो 1952 forest policy के तहत 33% area जो होना चाहिए वो forest cover के अंदर होना चाहिए ताकि ecosystem balanced रहे. In which of the following books Sumaker presented Gandhian philosophy? तो ये book है Small is Beautiful. B, C, Small is Beautiful. तो इन 1974 सुमैकर ने अपनी बुक स्मॉल इज़ ब्यूटिफुल में गांधीयन फिलॉसफी को प्रेजेंट किया था. किस वजह से? फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए. तो ये इम्पॉर्टेंट है. नाउ रिसोर्सेज बिलोंगिंग टू द नेशन आर कॉल्ड सी नेशनल रिसोर्सेज. रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड आर कॉल्ड. ऐसे रिसोर्सेज जो कि एक रीजन में पाए जाते हैं पर अब तक उनका इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो ये है पोटेंशियल रिसोर्सेज, क्योंकि इनमें पोटेंशियल तो बहुत है पर अभी तक हमने इसे यूज़ में नहीं लिया है. तो डी, रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वान्टिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन आर कॉल्ड बी डेवलप्ड रिसोर्सेज. ऐसे रिसोर्सेज जिनकी बारे में काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन हो गया है, क्वालिटी क्वांटिटी सब कुछ इनके डिटरमाइन किए जा चुके हैं यूटिलाइजेशन के लिए, तो इन्हें हम कहते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज. नेक्स्ट इज मटीरियल्स इन द एनवायरनमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस देम आर कॉल्ड. तो ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनमें मतलब पोटेंशियल तो है ताकि ह्यूमन नीड्स को पूरा किया जा सके, बट अभी तक हमारे पास वो टेक्निकल नो हाउ नहीं है, वो टेक्नोलॉजी नहीं है, हम नहीं जानते कि कैसे इनको एक्सट्रैक्ट करना है और कैसे यूज़ करना है. तो ये कौन सी कैटेगरी है? बी स्टॉक की. ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं? स्टॉक. द सबसेट ऑफ द स्टॉक विच कैन बी पुट इन टू द यूज़ विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी बट हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड. मतलब ये रिसोर्सेज स्टॉक का ही सबसेट हैं जिनको प्रेजेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के मदद से यूज़ किया जा सकता है, लेकिन अभी तक इनका यूज़ अभी स्टार्ट नहीं हुआ है. तो ये है रिजर्व्स. हाउ मेनी मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ इंडियन लैंड इज़ डीग्रेडेड लैंड. तो कितना इंडियन लैंड जो है वो डीग्रेडेड मतलब ख़राब हो चुका है, ये है 130 मिलियन हेक्टेयर्स, जिसमें से
28% जो है फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया है, 56% वाटर इरोडेड और 10% जो है विंड इरोडेड एरिया है, और बाकी के 6% जो है वो सलाइन और अल्कालाइन लैंड है। तो ये सब है डिग्रेडेड लैंड इन इंडिया, टोटल कितना कितना क्या परसेंट है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन रीजन्स फॉर द लैंड डिग्रेडेशन इन द स्टेट्स ऑफ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। तो ये है ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग की वजह से इन स्टेट्स में लैंड जो है वो डिग्रेड, ख़राब हो रहा है, डिट्रियोरेट हो रहा है ओवर ग्रेजिंग। ऐसे ही कुछ आपसे और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक तो एक्सरसाइज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में था, और बाकी ऐसे कि माइनिंग की वजह से कहाँ कहाँ लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, तो ये है झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, और फिर ओवर इरिगेशन के वजह से कहाँ कहाँ लैंड डिग्रेड हुआ है, तो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। नाउ विच इज़ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पॉर्टेंट सॉइल, तो ये है एलुवियल सॉइल जो कि काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है, ठीक है। द सॉइल विच हैज़ हायर कंसेंट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स इज कॉल्ड ए बांगर। ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज सी रेगर सॉइल। The soil is develops in areas with high temperature and heavy rainfall is C laterite soil. When the top soil is washed away when water flows as a sheet over large areas down slope is known as C sheet erosion. तो जो top soil wash हो जाता है water के flow के कारण, तो उसे हम क्या कहते हैं, sheet erosion. Now land degradation due to over irrigation can be seen in the states of, तो ये है ए पंजाब एंड हरियाणा, और पता है उत्तर प्रदेश में भी होता है। तो ये हो गया एक क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस, तो ये है उत्तरांचल। हिली एरियाज में टेरेस कल्टीवेशन को प्रैक्टिस किया जाता है, इसलिए डी उत्तरांचल। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज टू ब्रेक अप द फोर्स ऑफ विंड, इट इज स्ट्रिप क्रॉपिंग। ग्रास को ग्रो किया जाता है क्रॉप्स के अल्टरनेट करके, ताकि ये फोर्स से जो विंड आ रहे हैं उसको रोक सके और क्रॉप्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड रह सके। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रेफर्स टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है डेवलपमेंट विदाउट हार्मिंग द नेचर या विदाउट हार्मिंग द एनवायरमेंट। तो इट इज़ बी, development should take place without damaging the environment. Now how much percent of forest area in the country is according to the national forest policy, to A 33%. Which one of the following soil is best for cotton cultivation, to ye hai black soil, isme cotton grow kiya jata hai. Soil is a renewable resource. Next is red laterite soil is suitable for growing which of the following crops, to ye hai cashew nut, D cashew nut. Now the oceanic resources beyond 200 kilometer of the exclusive economic zone can be termed as which of the following type of resource, ये है international resource। तो यहाँ बताना है कि जो oceanic resources हैं beyond 200 kilometer उसे हम exclusive economic zone कहते हैं, तो उस पर किसका अधिकार होता है, तो ये international resources का। तो national resources कहाँ तक है, oceans में जितना political area है country का वो तो है ही, साथ में जो ocean में 12 नॉटिकल माइल्स तक यानी कि 19.2 किलोमीटर तक टेरिटोरियल वाटर होता है, उस पर नेशन का अधिकार है, उसका जो भी रिसोर्स होगा वो नेशन यूज़ करेगी। पर 200 किलोमीटर के बियॉन्ड जो रिसोर्सेज हैं उसको इंडिविजुअल कंट्रीज़ एक्सेस नहीं कर सकती और यूटिलाइज़ नहीं कर सकती विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। वॉट इज़ area shown more than once in an agricultural year plus net shown area known as, तो ये होता है D gross cropped area. Now resources which can be renewed again are called C renewable resources. So in this way we discussed some important MCQs or multiple choice questions of class 10th geography's first chapter which is resources and development. So अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स।